हेलो। थैंक थैंक यू मैम, सी यू टू। हाँ यू फॉर कॉलिंग मैंने सी यू नहीं बोला, सी यू टू। नहीं बोला सी यू सून। सी यू सुन कहाँ बोला मैंने? मैं सेम टू यू बोला। तो अभी अपनी बात ख़त्म हुई है। अगर म्यूज़िक से पहचान गए हो तो प्रो हो तुम, म्यूज़िक से नहीं पहचाने हो तो ब्रो हो तुम। और एनीवेज अभी देख लो भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ टाइम 2:33 इन द नाइट और इन द मॉर्निंग, व्हाट एवर यू से। मैं सुबह निकल रहा हूँ, आज है क्या तारीख है, 26 अगस्त हो गई है। 26 अगस्त की सुबह 2:30 बजे मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ कैसे हैं आप सब और क्या आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं। एनीवेज ये सीरीज़ बहुत एक्साइटिंग सीरीज़ है, मैं धीरे से बात कर रहा हूँ। मम्मी सो गई है और मैं यहाँ पे कर रहा था बैकपैकिंग। ये आप देख लो, बहुत मैस हो रखा है, ये पूरा फैला फैला दिया है मैंने सब कुछ। ये मेरा बैक पैक कर रहा था मैं, और अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा। अभी भी लास्ट मोमेंट पैकिंग्स बहुत सारी बची है, छोटी छोटी चीज़ें। बट लेट्स सी क्या होता है। कल 4 बजे निकल रहे हैं हम लोग, और पता नहीं यार, लेट्स सी, इट्स सो एक्साइटिंग। तो अभी है ना मार्केट में हैं, अभी बज रहे हैं 12 या 1 बज रहे हैं सुबह के। मैं रात को 3 साढ़े 3 बज गए थे बैग पैक करके सोते सोते, और अभी जो है रात को बैग पैक करते करते सीन पता लगा ये कि हमें बैग्स हो गए कम, लाइक जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है बैग्स में। तो ये अभी बैग लेके आया हूँ मैं, और हम लोग अभी मिश्री पे हैं। तो अभी मिश्री से जाएंगे, थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह कुछ लेना बचा है भाई, सिंदूरी सेव के बिना कैसे काम चलेगा अपना बाहर। तो सेव लेंगे, बैग ले लिया है, और फिर निकलेंगे बैग पैक करके दिल्ली के लिए। आपको मिलते हैं बीच में, बता दूँगा। सो एक्साइटेड यार। अच्छा ठीक है, चोटी हुई है, ट्रेन तो बोर्ड कर लिया हमने इंदौर से। मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि डांट पड़ जाएगी, पर इंदौर से ट्रेन तो बोर्ड कर ली थी। मैं पासपोर्ट्स और अपना टिकट और लैपटॉप, ये वाला पूरा बैग जो सबसे इम्पोर्टेंट था, मैंने सबसे आगे रख रखा था, वो घर पे भुला था। एंड थैंक्स टू अशोक भैया, वो आए और वो दे गए, कट टू कट दे गए टाइम पे, नहीं तो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। नई ट्रेन चली है स्पेशल इंदौर टू दिल्ली, हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए स्पेशल, हमें ही स्पेशल, अनयूजुअल था। तो आप एक बार थोड़ा सा टूर देख लो, मानस को बोलता हूँ घुमा के ले आएगा वो, मैं एडिटिंग करने बैठ रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। What is up people? तो अभी बज रहे हैं रात के 10, हम लोग ट्रेन में हैं, ये स्पेशल ट्रेन है इंदौर से दिल्ली की, और ये हफ्ते में 3 दिन इंदौर से चलेगी, और ऑल्टरनेट डेज जो है वो दिल्ली से इंदौर आएगी। तो आज जो है हम लोग इसमें जा रहे हैं, ये सेकेंड टाइम है ट्रेन का इस रूट पे। सो फार टाइमिंग इज ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, देखो अच्छी बात है पहले बता देता हूँ मैं, इसका रूट अलग है, स्टॉपेज कम है, तो ये जल्दी पहुंचा रही है। ये 4:45 से 5:05 तक आपका टाइम ले रही है, वन पॉजिटिव थिंग। सेकेंड, इसमें सीट्स नहीं है, पूरा वेल फर्निश्ड है, बिल्कुल नए कोचेस हैं,
तो आपको पावर आउटपुट भी ज़्यादा मिल रहा है, सीट्स भी नए मिल रहे हैं, और सीट्स थोड़ा लेदर फिनिशिंग वाले हैं तो वो और बेटर है। दूसरा पावर आउटपुट मैंने तीसरा साथ में गिनवा दिया है इसमें। चौथा ये है कि साफ़ सफाई ये वो मेंटेन है, बाथरूम जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के बना दिए हैं, और जो वो दो बार में लोगों ने ख़राब कर दिए। अब मैं कॉन्स पे आता हूँ, क्योंकि ये ट्रेन अभी नई शुरू हुई है, तो यहाँ इस ट्रेन पर हमें कोई भी सेकेंड एसी में हम लोग अभी, और इस सेकेंड एसी में हम लोग हैं ना, पिलो मिला है, और इसका जो अपडेट था हमें लास्ट मोमेंट दिया था, जो हमें लाइक आधा एक घंटा पहले आ गया था कि ये जो है यहाँ पे आपको मैट्रेस या क्विंट नहीं दिया जाएगा और आप अपने भरोसे हैं। ये बहुत सारे पैसेंजर्स को यहाँ पे मैसेज लेट मिला, और सबके सब हमारा कंप्लेंट यही है कि आप ये क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इनका कहना है वेंडर अभी नहीं चालू हुई है, तो वेंडर नहीं है, ये नहीं है। दूसरा, पैंट्री यहाँ पे नहीं है, तो अंदर आपको पैंट्री का खाना पीना नहीं मिलेगा। तीसरा, ये लोग कोई बाहर का जो वेंडर होता है, जब स्टेशन पे रुक के अंदर आके कई बार चाय देते हैं, ये करते हैं, वो भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। कि एक ये है कि कब से हम लोग कह रहे हैं, पूरा हमारा कोच कह रहा है कि एसी कम कर दो, एसी बंद कर दो, अगर आप लोग हमको कुछ ओढ़ने के लिए नहीं दे रहे, तो वो भी चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। कोई कुछ नहीं लेके आया है, इवन हम लोग तो और इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हैं इसके बाद में, तो हम लोग वो लेके ही नहीं आए कि हम उसको कैरी कहाँ करेंगे। तो अब जो है हालत ऐसी है कि हम लोग सब अकड़ गए हैं अंदर, ऐसा लग रहा है कि आप विंटर्स ऑफ कनाडा में विदाउट एनी जैकेट स्वेटर कैसे कर जाते हो ना, कैसे जम जाते हो, वैसे हाल हो रहा है हम लोग के अंदर अभी। सो फार लाइक एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, और अभी तो शुरुआत है सफ़र की, और वो जो एडवेंचर हुआ है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पासपोर्ट भूल गए हम लोग घर पे, टिकट्स हम लोग भूल गए थे घर पे, और वो आके अशोक भैया जो है हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन ने दिया, उनको हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं यार। वो नहीं होता ना बॉस, तो खेल लग गए थे मेरे में। तो एडवेंचरस स्टार्ट हुई है, पहले पासपोर्ट घूम गए, फिर यहाँ पे आपको चादर नहीं दे रहे हैं, ना पिलो दे रहे हैं, ना एसी कम कर रहे हैं, तो लग गए। तो भाई साहब, अभी जो आप लोग हाइफा व्लॉग पार्ट 2 देख रहे हो ना, वो मैंने पूरा ट्रेन में एडिट करा है, ये देखो आप। अभी बंद क्यों है? ये देखो, ये आपके सामने रेंडर हो रहा है, व्लॉग एडिट हुआ है, और आप इस व्लॉग के साथ में उसको भी लाइक कर देना, इसको देखने के बाद जाना वहाँ पर डायरेक्ट मत जाना। See you too.